स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय MDI स्कूल मिल्कीपुर की ऑनलाइन क्लासेस में और हमारे विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में। तो मैं हूं आपके साथ आपका अध्यापक महेंद्र तिवारी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th की विज्ञान। सही सुना, क्लास 8th के विज्ञान। आज का ये वीडियो हमारे विद्यालय की तरफ से कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। इससे पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो जो है पढ़ा कक्षा 8 का, जिसमें हमने आप लोगों को सिलेबस बताया था कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कंटेंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे हाथ में ये कक्षा 8 की जो है कक्षा 8 की विज्ञान विषय की बुक है। लिखा हुआ है विज्ञान, आओ समझे विज्ञान। यहाँ 8 करके दिखाई दे रहा है, यानी ये 8th क्लास की बुक है। इसी बुक से हम आज आप लोगों को जो माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश की जो बुक है शिक्षा परिषद की, इसी बुक से अब आप लोगों को ये पढ़ाया जाएगा, यानी कि कक्षा 8 का विज्ञान। तो चलिए देखिए, ऊपर हमने क्लास भी लिख दिया है कक्षा 8 और यहाँ लिख दिया है विज्ञान और ये है अध्याय 1। तो बच्चों, लेसन का नाम हमने आपको बता दिया था। कितने लेसन बताए गए थे आप लोगों को सब मिलाकर? हमने बताया था कि आपकी बुक में सब मिला 17 लेसन है, 17। पहला लेसन आपका है विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। तो आज इसी लेसन शुरू करते हैं, पहले अध्याय से शुरू करते हैं। चलिए आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए और मैच कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, लिखा हुआ है विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। इस लेसन में आपको बताया जाएगा कि विज्ञान और तकनीक से हमारे जो क्षेत्र हैं जीवन में, उनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ आपको जो क्षेत्र है, पूरे लेसन का हम पहले निचोड़ बता दे रहे हैं, मेन पॉइंट बता दे रहे हैं आपको, इन्हीं को केवल डिटेल में पढ़ना है। यही पॉइंट डिटेल में दिए गए हैं। देखिए, विज्ञान में संचार के क्षेत्र में प्रगति हुई है। संचार मतलब होता है जो हम लोग कम्युनिकेशन है, उसमें प्रगति हुई है। शिक्षा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, फिर बता रहे हैं शिक्षा और सूचना परिवर्तन हुआ है। आज शिक्षा का ही परिवर्तन है, विज्ञान की देन है कि आज हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ पा रहे हैं। अगर ये ऑनलाइन प्रक्रिया अगर विज्ञान की देन नहीं होती तो आज संभव ना होती। इसके बाद अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जो अंतरिक्ष एक अंतरिक्ष विज्ञान है, उसमें भी विकास हुआ है। रक्षा, बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी लगी हुई है उसमें प्रतिरक्षा, यानी हमारी स्वयं की रक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हो गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल की लाइन में, ठीक है, मेडिकल फील्ड में हम लोगों को जो है सुरक्षा मिली हुई है। उसके बाद 6th नंबर, कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसमें हमको विज्ञान से रिलीफ मिला हुआ है, काफी हम लोगों को फायदे मिले हुए हैं। परिवहन, यानी कि जो यातायात है, पहले हम लोग तांगा बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, आज विज्ञान की देन है कि हम लोग मोटरसाइकिल बस के अलावा जो है समझ लीजिए वायुयान से यात्रा कर रहे हैं। विनिर्माण के क्षेत्र में, बड़े निर्माण का मतलब होता है नए नए चीजों का निर्माण हो रहा है, जैसे बांधों का निर्माण हो रहा है, बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण हो रहा है। उद्योग धंधों के क्षेत्र में जो है हम लोगों को बेनिफिट मिला है विज्ञान से। ऊर्जा के क्षेत्र में मिला है, इसके बाद यहाँ दो पॉइंट यहाँ लिख दिए गए हैं। व्यापार के क्षेत्र में मिला है हम लोगों को। उसके बाद ई गवर्नेंस के क्षेत्र में हम लोगों को विज्ञान से प्रॉफिट मिले हैं। तो ये आपका पहला लेसन है, ये लेसन का नाम है विज्ञान तकनीक क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। और हमारे जीवन के ये इतने क्षेत्र हैं, यही आपको हेडिंग में दिया गया है बुक में। 12 आपके जो है पॉइंट हैं, 12 जगहों पर आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है, इन चीजों में हमको विज्ञान से लाभ मिले हैं। तो हम अब जो है हम लोग इन्हीं में से दो दो तीन तीन पॉइंट करके हम लोग एक एक वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका ये लेसन कंप्लीट होगा और इस लेसन की एक्सरसाइज व्हाट्सएप से विद्यालय के माध्यम से भेजी जाएगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्षेत्र है संचार के क्षेत्र में। संचार के क्षेत्र में आप लोग बुक ओपन कर लीजिए, ये पहला लेसन है इस तरीके से। आप चलिए हम पहला लेसन पढ़ाने चल रहे हैं, आप लोग बुक ओपन कर लीजिए, मैच कर लीजिए। देखिए, दिया गया है जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि कैसे विज्ञान और तकनीक ने हमारे दैनिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा कि विज्ञान ने हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है, इसी क्रम में हम विज्ञान एवं तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों में हुए नवीनतम परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। अब हम आगे चलते हैं और भी जानते हैं कि विज्ञान से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। आगे देखिए, विज्ञान अपने हर नए अनुसंधान के साथ दैनिक जीवन को सरल, उन्नत वातावरण को विकसित करने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहा है। विज्ञान के जितने भी अनुसंधान है, जहां जहां वैज्ञानिक खोजों को अंजाम दिया जा रहा है, बनाया जा रहा है, आविष्कार हो रहा है,
वहां से हर जगह से आज वैज्ञानिकों का यही प्रयोग है कि मानव जीवन को सुखी और संपन्न बनाया जाए। विज्ञान एवं तकनीक के नए नए विचार शोध से संचार, शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा, ध्यान से देखिए फिर से, शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा, इन सब क्षेत्रों में विकास हुआ है और इन सब क्षेत्रों में हमने प्रगति को पाया। इसके बाद आगे बताया जा रहा है, किसी भी नई तकनीक के उपयोग से मनुष्य की दिनचर्या तथा कार्यशैली में सुधार आता है, अतः विज्ञान की जो विज्ञान की चुनौतियां हैं उनका प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हमने डटकर मुकाबला किया और आज उसी का जो है उसी का लाभ है कि हमको जो है उद्देश्यों के साथ साथ कृषि, उद्योग, ऊर्जा, संचार, परिवहन आदि क्षेत्रों में विस्तार हो रहा है। तो आइए अब हम जहां जहां हमको लाभ मिले हैं उनका हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं ऊपर से नीचे तक, यानी कि आपको क्षेत्र बताए गए यहां यहां लाभ हो रहा है, एक एक का हम अध्ययन करते हैं। तो पहली हेडिंग है यहां दिखाई जा रही है आप लोगों को संचार के क्षेत्र में, फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्या हुआ है ध्यान दीजिए, पहले तो कम्युनिकेशन का ऐसा ही मतलब समझ लीजिए, संचार के क्षेत्र में पहले पत्र भेजे जाते थे लोगों से बातचीत करने के लिए, नहीं तो प्रशिक्षित कबूतर होते थे उनके माध्यम से चिट्ठियों को भेजा जाता था। परंतु आज क्या हो रहा है, हम अपने घर पर बैठे हों चाहे किसी कमरे में बैठे हों, दुनिया के किसी भी कोने से, दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से जब चाहें जिस समय चाहें बात कर सकते हैं। यह विज्ञान की देन है, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम दूसरे देशों में बैठे हुए लोगों को देख सकते हैं, ये विज्ञान की देन है। ईमेल के माध्यम से अपने बायोडाटास को, अपनी सूचनाओं, जानकारियों को हम लोगों को भेज सकते हैं, ये विज्ञान की देन है। इस प्रकार से विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत लाभदायक बनाया है। तो पहले हेडिंग से शुरू करते हैं संचार के क्षेत्र में, देखिए क्या लिखा है, संचार मानव की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा यानी ईमेल और इंटरनेट का प्रयोग जनसंचार क्षेत्र के रूप में इन्होंने क्रांति ला दी। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होते चले गए। सूचना तकनीकी का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की थी। पॉइंट नोटेड, कब जो है 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की गई थी जिसे ई पोस्ट नाम दिया गया। 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में मोबाइल फोन जुड़ गया। मोबाइल फोन तकनीक अत्यंत प्रभावशाली होकर उपग्रह के माध्यम से मानव जीवन में जुड़ गया है। 21वीं शताब्दी से यह नई नई तकनीक से सुसज्जित होकर एक नए नाम यानी कि स्मार्ट मोबाइल फोन जो आज हम लोग एंड्रॉयड चला रहे हैं, इससे पहले एंड्रॉयड नहीं था, कीपैड फोन आते थे, सिंपल आते थे, मल्टीमीडिया होते थे, पहले तो सादे आए फिर मल्टीमीडिया फिर आज एंड्रॉयड है। तो आज जो है एंड्रॉयड स्मार्ट मोबाइल के साथ 3D जनरेशन यानी थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के रूप में भी उपलब्ध हो चुकी है। संचार के क्षेत्र की बात करें तो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई यानी वायरलेस फाइडेलिटी एवं वाईमैक्स तकनीक भी वैज्ञानिकों की अद्भुत देन है। 3G 4G प्रौद्योगिकी द्वारा ब्रॉडबैंड, वायरलेस इंटरनेट, डाटा, वीडियो, टीवी इत्यादि सब आज मोबाइल पर आसानी से उपलब्ध हैं। बिना किसी बाधा के वीडियो क्लिपिंग व मनोरंजन का आदान प्रदान अब संभव हो गया है। जो हम लोग टिकटॉक पर वीडियो देख रहे हैं वो आज विज्ञान की ही देन है कि हम लोग देखने को पा रहे हैं, अब तो मान लीजिए बैन हो गया है। आगे जो है ये इस प्रकार से ये पहली हेडिंग समाप्त हुई, अब चलते हैं दूसरी हेडिंग है आपकी क्या, शिक्षा में सूचना संचार में विज्ञान की क्या क्या देन है। तो मोबाइल का हमने बता दिया संचार के क्षेत्र में कि मोबाइल आई और आज मोबाइल की देन है कि हम लोग ऑनलाइन क्लास भी पढ़ रहे हैं। इसके बाद देखिए शिक्षा में क्या क्या सुधार हुआ है, तो शिक्षा में पहला सुधार तो हम आपको ये बता दे, आज आप लोग ये जो कंप्यूटराइज मशीनों से छपी हुई किताबें पा रहे हैं, पहले जो क्या होता था लोग जो है ऐसे हाथों से लिखी हुई किताबों से पढ़ते थे, तो सोचिए उसकी वजह से, और वो किताबें बहुत ही मोटी मोटी हो जाती थी, और आज आप इतनी पतली सी किताब में विज्ञान की देन है कि आप पढ़ पा रहे हैं। विज्ञान की ही देन है कि आज हम आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और आज आप लोग घर बैठकर हमको देख रहे हैं, हमारे इस ऑनलाइन वीडियो को पढ़ पा रहे हैं। तो देखिए दूसरा क्या है, शिक्षा में सूचना में संचार प्रौद्योगिकी को आईसीटी भी कहते हैं। आईसीटी के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत छात्रों को मुख्यतः आईसीटी की बात करें समझ लीजिए संचार प्रौद्योगिकी,
आईसीटी कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त हुए। यह योजना छात्रों के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल डिवाइस, अन्य भौगोलिक अवरोधों को पार करने का सेतु है। जो संचार के क्षेत्र में हमको जो लाभ मिला है सूचना क्षेत्र में, इससे हमारे जो अवरोध आ रहे हैं, जैसे समझ लीजिए अवरोध एक नदी है, उसको पुल बना के पार कर रहे हैं, तो जो हमारी सूचना संचार है ये हमारे लिए सेतु का काम कर रही है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की गई जो आईसीटी केंद्रित शिक्षा देने में समर्थ हो। स्कूली योजना में आईसीटी के अंतर्गत कई राज्यों, केंद्र शासित राज्यों में स्मार्ट स्कूलों का अनुमोदन किया गया, स्मार्ट स्कूलों को बनाया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को आईसीटी का प्रयोग करते हुए, यानी संचार सूचना का प्रयोग करते हुए, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा तथा संस्थापन, जीविका और ज्ञान आधारित समाज की बढ़ोतरी में सृजनात्मक दृष्टि करना। स्मार्ट स्कूल का अनुमोदन किया गया जिससे बच्चों को संचार के माध्यम से और डेवलप किया जाए, जिससे वो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके और मानव जीवन को और भी सृजनात्मक बनाया जा सके। यह शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में एक क्रांति है जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण एवं मनोरंजन के तरीके से शिक्षा प्राप्त करने के विषय में जो भय है, बच्चों के अंदर भय है, उस भय को मनोरंजक ढंग से दूर किया जा रहा है और शिक्षा भी दी जा रही है। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की उपलब्धता आईसीटी की भूमिका पर नेशनल में एजुकेशन जो है बल देता है। यानी क्या बताया, नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का राष्ट्रीय मिशन आईसीटी पर विशेष फोकस कर रहा है। आईसीटी के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं ई किताबों के प्रयोगों को बढ़ाया दिया जा रहा है। ई किताब का मतलब समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक बुक, यानी कि जैसे अब जो स्मार्ट स्कूल बनाए गए उसमें ना तो ब्लैक बोर्ड इस तरीके के होंगे, ना इस तरीके की किताब होंगी। जो अनुमोदन अभी किया जा रहा है उसमें क्या होगा, डिजिटल बोर्ड होंगे और इलेक्ट्रॉनिक किताबें होंगी। हर लेसन को स्क्रीन पर ही पढ़ाया जाएगा और बच्चों को संचार के माध्यम में विशेष ज्ञान दिया जाएगा जिससे वो जो है जीवन के प्रक्रियाओं से आगे बढ़ सके और वैश्विक स्तर जो हमारे डिजिटलाइजेशन शिक्षा नीति है, शिक्षा पद्धति है, उससे वो आगे बढ़ सके और उसमें भाग ले सके। तो इस प्रकार बच्चों आपकी ये जो दो हेडिंग थी संचार के क्षेत्र में और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, यह दो लेसन कक्षा 8 के विद्यार्थियों के द्वारा हमने आज जो है कक्षा 8 के विद्यार्थियों को हमने आज पढ़ाया। इसके बाद आपकी जो ये 12 हेडिंग थी, अभी आपकी 10 हेडिंग बची है। इसी प्रकार से ये दो दो हेडिंग करके, तीन तीन हेडिंग करके आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। पूरा लेसन आप लोगों को जहाँ भी जो चीज़ ना समझ में आ रही है हमारे विद्यालय के और हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लोग भेजिए, हम आपको अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे कि और अच्छे तरीके से समझाया जाए। और आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। हम विशेष आग्रह कर रहे हैं कि कोरोना जैसी बीमारी को देखते हुए अपने घर से कम बाहर निकलें, अपने हाथों को घर बाहर से कभी भी गए भी हैं आएँ तो सैनिटाइजर करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें और मास्क का विशेष पालन कीजिए और इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जब विद्यालय खुल जाएगा तब आप सभी बच्चों को विद्यालय बुलाया जाएगा और जैसे पढ़ाया जा रहा था सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप लोगों को फिर से हम लोग पढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई को बंद मत कीजिए। हमारा विद्यालय लगातार आप सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रयत्नशील रहा है और हमारा विद्यालय आप लोगों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ही आज ऑनलाइन पढ़ाई को स्टार्ट कर रहा है और किया है। इतने दिन से वीडियोज जा रही हैं। आप लोग, हम सभी बच्चों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे विद्यालय से जुड़िए और अपने जो है शिक्षा को प्रवाहपूर्ण रूप से चलाते रहिए, लगातार अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। तब तक इसी उद्देश्य के साथ, इसी विश्वास के साथ लेता हूँ मैं आप सभी लोगों से विदा और चलता हूँ। मिलते हैं आप सभी बच्चों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों से नमस्कार।